दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज आपको जानकारी देंगे तंत्र के विषय में। जानेंगे हम इस वीडियो में तंत्र क्या है, तांत्रिक क्या कर सकते हैं आपके लिए, वशीकरण क्या किया जा सकता है, जो आप YouTube पर टोटके की वीडियो देखते हैं, टोटका बहुत सारे वीडियोस, हर प्रकार के वीडियोस, उनकी सच्चाई भी जानेंगे कि आखिर तांत्रिक आपके लिए क्या कर सकते हैं और टोटके आपके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों तंत्र क्या है इसके विषय में बताते हैं। तंत्र एक प्राचीन विद्या है। तंत्र का मतलब है फैलाव, विस्तार, तनना, एक तरह से ये हर प्रकार से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तंत्र एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि शरीर जो तन है हमारा, उससे हम साधना करके जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं उसे ही तंत्र बोला जाता है। तो तंत्र यहां पर भारत में भी बहुत प्रचलित है, हर धर्म में प्रचलित है, तांत्रिक हर धर्म में होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी है विदेशों में। तंत्र का बहुत महत्व माना जाता है। अभी वर्तमान में भी जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी हैं बहुत अच्छी अच्छी, जिसपे तंत्र पे PhD तलक होती है, और हमारे भारत में भी काफी ऐसे लोग हैं जो तंत्र पर PhD कर रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी तंत्र का वर्णन आता है, वशीकरण का वर्णन आता है, उच्चाटन, मारण, मोहन, सम्मोहन, सब कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो स्वभावतः देखा गया है कि लोग पहले के जमाने में, और राजनीति में भी आप अगर तांत्रिक सम्राटों की चर्चा सुनेंगे तो राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल मचाने वाले तांत्रिक इस भारत में हुए हैं। तो इसलिए तंत्र को नकार नहीं सकते, और तंत्र सच्चाई है, तंत्र व्यक्ति की साधना है और व्यक्ति कर सकता है तंत्र से। लेकिन क्या कर सकता है इसके विषय में जानना है, क्योंकि तांत्रिक आज वो तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से, और मैंने जहां तक अनुभव किया है, जो फेसबुक पर ऐड या यूट्यूब पर भी ऐड कि अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, या बसों में, ट्रेनों में, हर जगह दीवार पर पोस्टर चिपकाता फिरेगा, जो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, कहीं साईं बाबा, कहीं भोलेनाथ का, कहीं किसी मस्जिद का, या कहीं भी किसी प्रकार का फोटो लगा करके एडवर्टाइज करता हुआ नजर आएगा कि वशीकरण करवाए, लव स्पेशलिस्ट, फलाना स्पेशलिस्ट, और दुनियादारी इतनी बातें जिन्हें देखकर ही मजाक बनता देखते हैं, और बसों ट्रेनों में ऐसी ऐसी बातें, स्वतंत्र से छुटकारा, और किसी को भी बस में भाभी को, और फेसबुक पर एड रन अभी ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे ही एड आपने देखे होंगे कई, फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर भी आप ऐसे एड देखे होंगे जिसमें लोग अपना एड रन कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वशीकरण किया जा सकता है इसके विषय में हम जानेंगे। जो टोटके हैं यूट्यूब पर उनसे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो टोटके जो हैं वो केवल और केवल आपको बहलाने के लिए हैं, आपकी भावनाओं से खेलने के लिए हैं। हकीकत में तो जो लोग वो वीडियोस बनाते हैं वो तांत्रिक हैं ही नहीं, और जो लोग फेसबुक पर एड रन करते हैं या फेसबुक पर आईडी बनाते हैं तांत्रिक बाबा या फलाना स्पेशलिस्ट, तो वो भी तांत्रिक नहीं है। अगर कोई तांत्रिक होगा साधारण नाम लेकर के, साधारण नाम रख करके काम कर सकता है अपना, फेसबुक पर आईडी बनाना या इंटरनेट पे अपना प्रचार करना, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि वो तांत्रिक नहीं है। लेकिन फालतू की बातें करना, इसका वशीकरण, उसका मारण, इसका उच्चाटन, ये सब चीजें ये जाहिर कर देती हैं कि व्यक्ति तांत्रिक नहीं है, तंत्र का उसे ज्ञान ही नहीं है। तो वो लोग केवल और केवल लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, मान लीजिए हम लोग तो आम जीवन जी रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, खासकर लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है जिससे हम बिल्कुल ही आहत हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मजाक लगेगा, हम विश्वास नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। परंतु
जो व्यक्ति परेशानी में होता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मेरी इस परेशानी का हल हो जाए, मान लीजिए किसी को ब्रेकअप हुआ है, धोखा मिला है, वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने बॉयफ्रेंड को पालूं, या चाहती है बॉयफ्रेंड को पालूं, या उस व्यक्ति को सबक सिखा दूं, या अपनी गर्लफ्रेंड को मैं वापस पालूं, ऐसी मनसा होती है। लेकिन उन्हीं का फायदा, क्योंकि ऐसी जब सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो जैसे ही वो देखते हैं कि गारंटी के साथ आपका काम होगा, जब गारंटी देने लगते हैं, जबकि आजकल साइंस इतना आगे बढ़ा है, डॉक्टर पर आप मेडिकल पर जाएंगे, किसी चीज की दवाई लेंगे, डॉक्टर से दवाई लेंगे, गारंटी नहीं देगा, आप गारंटी दे ही नहीं सकता। लेकिन ये लोग गारंटी क्यों दे रहे हैं, क्या है ऐसी वजह? अगर तांत्रिक इतने सक्षम होते तो प्रधानमंत्री का वशीकरण कर लेते, या किसी मंत्री का वशीकरण कर लेते, कुछ तो करते। लेकिन इसी की सच्चाई में आपको आज बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। अच्छे से अच्छे तांत्रिक भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी प्रधानमंत्री का वशीकरण कर सके। वजह नंबर वन, सबसे जो ज्यादा प्रभावशाली है वो है कर्म। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, तो आपको कोई भी तंत्र या कोई भी तांत्रिक कुछ भी नहीं कर सकता। वजह, एक प्रधानमंत्री के कर्म जो बीते कर्म हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उसके इतने श्रेष्ठ थे कि वो आज प्रधानमंत्री बना है। कर्म ही तो थे जो आज वो प्रधानमंत्री बना है, क्योंकि कर्म से ही आपका भाग्य बनता है, तो कर्म थे इसलिए वो प्रधानमंत्री बना। आज जो साधारण जीवन जी रहा है, एक छोटा सा तांत्रिक या बहुत बड़ा तांत्रिक या तंत्र सिद्धि आज कर ली उसने, तो सिद्धियां प्राप्त कर ली, तो वो प्रधानमंत्री से टक्कर नहीं ले सकता, भले ही कितना बड़ा तांत्रिक हो, क्योंकि उसके कर्म इतने प्रभावशाली है वो तब प्रधानमंत्री बना। आज के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसके कर्म कितने बुरे हैं ये मैटर नहीं करता है, उसके बीते जो कर्म हैं वो जरूर आप पर प्रभावशाली होते हैं, और वो कर्म ऐसे होते हैं कि वो किसी भी वशीकरण के बस में नहीं आते, किसी भी तंत्र के बस में नहीं आते, सबका काट वही कर्म है। तो इसीलिए ये तो साफ हो जाता है कि कोई प्रधानमंत्री का वशीकरण क्यों नहीं कर पाता है, या किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का वशीकरण क्यों नहीं कर पाता, ये वजह है कर्म। कर्म से ही वो लोग कुछ नहीं कर पाते। तो आपकी समस्या का समाधान क्या? अब यहां पर ये प्रश्न तो आपको बता दूं कि वशीकरण भी होते हैं, मारण उच्चाटन भी होते हैं, लेकिन गलत भावना से हम ये सोचें कि हम किसी पड़ोसी के साथ में सहवास करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए उसे वशीकरण कर लें, उसका वशीकरण करवा लें, तो ऐसा तो नहीं होता है। और ऐसा करवाने की कोशिश जो करते हैं या जो करने की कोशिश करते हैं वो उसका अंजाम भी देखते हैं, उनके साथ में क्या होता है। अगर मारण विद्या भी कोई करता है, भले ही वो अच्छी बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि कोई किसी प्रकार से कोई गलत आदमी भी है और उसके ऊपर वो प्रयोग कर रहा है, तो उसका दुष्परिणाम उसे भी झेलने को मिलेगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी कोई तांत्रिक आपके सामने, अगर किसी तांत्रिक की मृत्यु हुई है, चाहे वो तांत्रिक सम्राट हो कोई भी, तो उसकी जो हालत होती है मरने के उपरांत, मरने के सन्निकट, मृत्यु के पूर्व उसकी वो हालत होती है, उसकी वो दुर्दशा होती है जो देख नहीं पाता है व्यक्ति, तो ये परिणाम होते हैं। उसने अगर गलत यूज किया है, आपके पास में कोई भी विद्या है, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको उसके परिणाम बहुत ज्यादा ही गलत देखने को मिलेंगे। तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि तंत्र है, तांत्रिक होते हैं, वशीकरण भी होते हैं, पर करने वाले 1% भी नहीं है, 1%। क्योंकि कर्म, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ आपके हैं, तो आपके अपने आप ही बस में आ जाएंगे लोग, फिर आपको छोड़कर जाने वाले नहीं, किसी का वशीकरण करवाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसे तांत्रिक जो छोटी मोटी तंत्र विद्या जानते हैं उनके पास जाते हैं, तो वो आपको जरूर वशीकरण कर सकते हैं आपका, या आपको गलत किसी प्रकार से आपके माइंड को
बहुत ज्यादा उलझनों में डाल करके आपको परेशानी, या आपको ब्लैकमेल कर दें, या आपका नाम गोत्र जानकर आपको ही बस में करके आपका कुछ बुरा करने की कोशिश करें। तो इसलिए तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए। तांत्रिकों के पास जाने से पूर्व आपको सोच लेना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं वो कितना सही है, और जरूरत हो आपको ज्यादा ही तो आपको स्वयं अपने तन की, अपने शारीरिक शुद्धि की ओर लग जाना चाहिए। आपको खुद साधना में जुट जाना चाहिए, अपने कर्मों को प्रबल बनाना चाहिए, जिससे आप खुद ही इतने प्रबल हो जाएं कि आपको देखते ही लोग आपके बस में आ जाएं। इसलिए तांत्रिकों के आप चक्कर में उतना ही पड़े जो आपको लगे कि तांत्रिक वाकई में, जैसे कई स्पेशलिस्ट हैं पीएचडी कर रखे हैं वो लोग करते हैं, लेकिन वो भी गलत कार्य नहीं करते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं पर्सनली भी, तो वो कार्य करते हैं, लेकिन इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना जो फेसबुक पर एड रन करते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, कहीं भगवान का फोटो लगाते हैं, कहीं मस्जिद का फोटो लगाते हैं, कहीं मंदिर का, कहीं साईं बाबा का, किसी प्रकार का भी फोटो लगाते हैं, जो अपना चेहरा तलक नहीं दिखा सकते हैं, वो आपको क्या ही दिखाएंगे और क्या ही आपको दिला पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चले तांत्रिकों की हकीकत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।